हम लोग यूट्यूब में जाके हम लोग वो पोएम या कुछ ना कुछ देखते ही है, वैसे ही हमें क्वेश्चन आंसर चाहिए तो हम इंटरनेट में यहाँ पे गूगल टाइप करना है। क्या टाइप करना है? गूगल। गूगल टाइप करने के बाद यहाँ पे टाइप करना है कौन सा लेसन, तो लेसन का नाम है मेरा यहाँ पे कि स्टैंडर्ड फोर, ठीक है, नाम लिख दो स्टैंडर्ड फोर, उप्स, बस फोर्थ, लेसन नहीं डालो, ये नाम डाल दो डायरेक्टली, लेसन बिसन कुछ भी आप डाल सकते हो, फाइंड आउट तो करेगा, बैक स्पेस यहाँ पे, ओके स्पेस हाँ, और आगे खाली आपको लिखना है पीडीएफ, स्पेस देना है और लिखना है पीडीएफ, या तो वहां पे लिख दो, क्वेश्चन आंसर भी लिखोगे तो भी चलेगा, पीडीएफ, पीडीएफ में डालती हूँ बहुत बार, हाँ पीडीएफ, और देन प्रेस एंटर। एंटर देने के बाद यहाँ पे उसके पीडीएफ में सामने ही दिख रहा है एक ये वेबसाइट है, उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर दिए हुए, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद क्या करना है आपको, अगर ये क्वेश्चन आंसर सही लग रहे हैं तो जहाँ पे यहाँ पे बटन प्रेस करना है, प्रेस करके ड्रैग करना है, जब तक हमें सिलेक्शन सही नहीं लगता है तब तक वहाँ तक लेके जाओ, गलती से अगर ऊपर नीचे होता है तो छोड़ दो, वापस स्टार्टिंग से करो, इसे राइट क्लिक किया और इसे कॉपी कर सकते हो, या तो सिलेक्शन है अभी तो निकल गया, मैं वापस ऊपर जा रहा हूँ और आगे से यहाँ पे क्लिक करके कैसे ड्रैग कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे बटन प्रेस किया, ठीक है, इजीली नीचे तक की तरफ जान दो, बटन छोड़ना नहीं है, बटन छोड़ना नहीं है आपको कुछ भी करके, हाँ तो कैंसिल कर दो, वापस से आपको करना है, हाँ क्लिक करो, यहाँ से करो ना, क्लिक करो वापस, हाँ वापस स्टार्टिंग से आना है मेरा, और थोड़ा दो मिनट, यहाँ से चाहिए अपने को, ऊपर क्वेश्चन आंसर थे शायद से, नहीं है, ठीक है जान दो, माउस छोड़ो मत, दो मिनट, नीचे कैसे जानेगा माउस, तो ऑटोमेटिक माउस जाएगा वो नीचे, आप प्रेस करो माउस को, बटन छोड़ो मत, बटन टूट जाएगा चलेगा लेकिन बटन छोड़ना नहीं अपने को, क्वेश्चन के आंसर ऊपर वापस एक है इधर, हाँ हाँ जान दो हैंड, हाँ जान दो हैंड नीचे, हाँ कहाँ तक, वहां पे माउस ऊपर लेके जाओ, अभी ऊपर लेके जाओ माउस, छोड़ो मत, छोड़ दिया, हाँ दो मिनट, आपको कुछ भी करके माउस को छोड़ना नहीं है, ये बहुत गलत है, और वो एक्सेसिबल टेबल्स भी लेना था ना, नहीं नहीं वो नहीं मत लेना, ये ही ले लेना अभी, हाँ नीचे कुछ भी मन में 100% रखो कि माउस को छोड़ूंगी नहीं, नीचे जान दो हैंड को, ऊपर थोड़ा ऊपर रखो अभी हैंड, ऊपर माउस छोड़ो मत, जान दो ऊपर हैंड, दो मिनट, वो ज्यादा ऊपर आ गए, थोड़ा और नीचे, थोड़ा ऊपर, उंगली मत छोड़ो कुछ भी करके, जान दो ऊपर, बस बस थोड़ा थोड़ा नीचे नीचे अभी, हाँ कहाँ तक, वहाँ तक, ओके अभी यही ब्लू के ऊपर, यही ब्लू के ऊपर आप राइट क्लिक करोगे, इसके ऊपर ही ब्लू के ऊपर, हाँ ब्लू के ऊपर आ जाओ पहला माउस, हाँ एरो राइट क्लिक, हाँ तो आ जाएगा वो सबसे राइट चीज, राइट क्लिक एंड लेफ्ट क्लिक कॉपी, ओके अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, हाँ जहाँ पे मैंने ओपन किया है, क्लिक क्लिक किया, फाइल में जाके न्यू ले लो, फाइल फाइल न्यू ऊपर ब्लैंक, हाँ क्लिक, और इसे मैक्सिमाइज करो, मैक्सिमाइज बटन ऊपर है, हाँ क्लिक, हाँ और यहाँ पे पेस्ट, पेस्ट के बराबर ऊपर क्लिक करो, हाँ नॉच के ऊपर, हाँ क्लिक, आ गए सारे क्वेश्चन आंसर, ऊपर नीचे हो सकता है, ओके, अभी मुझे इसके ऊपर टॉपिक डालना पड़ेगा, टॉपिक डालो या जो भी है, बराबर ना, टॉपिक डालोगे तो आपका वो क्वेश्चन आंसर क्रिएट हुआ है, कुछ ही नहीं करना है इसमें मेहनत, देखो आपको समझ में आ रहा है, अभी खाली क्या करना है आपको, आपका ऊपर हेडिंग स्कूल का नाम, क्लास का नाम वो डाल देना है, और उसके बाद इसे सेव करें, और कौन से नंबर्स और डालने हैं आपको, हार्ड वर्ड्स डालने, तो हार्ड वर्ड्स कहाँ पे नीचे डालना है या किधर डालना है, सबसे पहले, सबसे पहले, तो आपका हेडिंग भी डालोगे और
हार्ड वर्क भी डालोगे। और यहाँ पे चेंजेस करूंगी कलर वाला जो मुझे चाहिए। हाँ, जो भी आपको कलर चेंज करना है, अंडरलाइन देना है, वो चेंजेस करके ये कर सकते हो। अभी मैं ये इसे स्टॉप कर रहा हूँ।